ये सिद्ध नहीं हो पाया कि राम किस जमीन पर, किस जमीन के किस टुकड़े पर एग्जैक्टली पैदा हुए थे। मैं बहुत अदब से कहूंगा, बहुत अदब से, दुनिया में जितने भी मजहब हैं उन सबको लाने वाले लोग, किसी के जन्म का टुकड़ा तय नहीं हो सकता। कि मुझे भाई आप भी बार बार उंगली नहीं उठाओ, आएंगे अब भाजपा से भी पूछ ले, किसी का तय नहीं हो सकता कि एग्जैक्ट बताओ कमरे में भी कौन सी लोकेशन थी। इसी बात, यही बात शहाबुद्दीन ने पूछी थी जब चंद्रशेखर जी मध्यस्थता करा रहे थे विज्ञान भवन में, तो हंगामा हो गया था। तब शहाबुद्दीन आते थे वे बाबरी मस्जिद दीक्षित कमेटी की प्रतिनिधि मंडल में, हंगामा हो गया था जब यह बात उन्होंने पूछी थी कि कहां पैदा हुए थे राम, खटिया कहां पड़ी थी, इसमें बवाल हो गया था। कोई ये बात पूछता है? ईसा के जन्म स्थान का लोकेशन कोई दे सकता है क्या? जियो टैगिंग थी तब? नानक तक के जन्म स्थान को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे लोकेशन के आधार पर। बाकी तो छोड़िए, 2600 साल पहले बुद्ध लुम्बिनी में जन्मे थे, आप जाके कोई माइकलाल बता सकता है कि लुम्बिनी में इस स्थान पर जन्मे थे? इसका साक्ष्य दे, 2600 साल पहले। इसलिए भाई दानिश कुरैशी को पता होगा कि इस कमरे में पैदा हो गया। इन सब बातों को मत करिए, ये बातें पूरे देश में नहीं विश्व भर में संकट पैदा कर देंगी। ठीक बात विनीत शुक्ला जी, ये बात मैं नहीं समझ पा रहा। महबूबा मुफ्ती ने एक बात कही, अच्छा वो पॉलिटिक्स उनके डीएनए में राजनीति है, मुफ्ती साहब की बिटिया हैं, हमने उनके पिताजी को देखा गृहमंत्री के रूप में कवर किया। उन्होंने बहुत खतरनाक बात कही जो आज तक नहीं कही गई। आज तक बड़े बड़े लफंडर आए लेकिन ये कोई नहीं बोला कि कोर्ट किसी पार्टी का नैरेटिव आगे बढ़ा रहा है। महबूबा सेड कि अदालत भाजपा का नैरेटिव आगे बढ़ा रही है। विनीत शुक्ला जी, तो बड़ी खतरनाक बात है डेमोक्रेसी में, अदालत किसी पार्टी की नैरेटिव बढ़ाने और घटाने के लिए तो नहीं है। आदरणीय अमिताभ जी, यही विडंबना है इन लोगों की, चाहे वो हैदराबाद के वैसी हों चाहे महबूबा मुफ्ती हों, जब देश तोड़ने वाली ताकतें इस तरीके के बयान देने लगे, जब धारा 370 और 35A का मामला आया तो इन लोगों ने कहा खून खराबा हो जाएगा और जम्मू में ऐसा हो जाएगा ऐसे। आज पूरी तरीके से अमन चैन है, सुख समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर, लेकिन ऐसी ताकतें जो देश के कानून को नहीं मानती, वो अपना थोपना चाहती हैं जी, अपनी चीजें थोपना चाहती हैं कि देश में अराजकता का माहौल हो, गुंडागर्दी हो, जगह जगह बम ब्लास्ट हो रहे हों, उससे उनको राहत मिलती है। ऐसे लोग अमन चैन की बात नहीं कर सकते। अभी आपके पैनल में भी बैठे हुए मुस्लिम स्कॉलर है चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष खुशी मना रहा था। अगर वो हंस रहा या खुशी मना रहा है और सबको पता है कि एक ये ऑर्डर हुआ है सिर्फ सुनवाई करने के लिए, श्रृंगार गौरी की पूजा के पक्ष में ये कहा गया कि इसकी सुनवाई कर ली जाए, और स्वयं ये मुस्लिम स्कॉलर और इनकी इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ, सब कुछ पता है, लेकिन इनके मन मुताबिक नहीं हुआ तो अब इनको दर्द है। तो चौधरी साहब को मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर भाई मानते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, तो अगर आपकी तबीयत खराब रहती है और आपका भाई स्वस्थ हो रहा है तो आपको तकलीफ क्यों है? उस बीमारी का इलाज अगर एक भाई को फायदा मिल जा रहा है और आपका इलाज नहीं हो रहा है, आपकी लाइलाज बीमारी है, तो आपको दिक्कत क्या है? हिंदू पक्ष बहुसंख्यक होने के बावजूद सभी कानूनों को, भारतवर्ष के अंदर जो भी कानून है, जो भी धार्मिक किसी भी धर्म का हो, सभी धर्मों को मानने वाला हिंदू धर्म सबसे ज्यादा सही सुनो, 500 वर्षों तक लड़ते रहे राम मंदिर के लिए और इसके बावजूद हम लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट के द्वारा जो फैसला हुआ उसको हमने स्वीकार किया। ठीक बात है, वही पक्ष जो है काशी विश्वनाथ में है, लेकिन चाहे वो दानिश कुरैशी हो, मैं अमिताभ जी एक बात कहना चाहूंगा, दानिश कुरैशी जैसे लोग
जिस तरीके की भाषा का आप देखिए किस तरीके से बात कर रहे हैं कि भगवान राम का जहां सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हो गया इनकी बोलने की उसमें हैसियत नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की भाषा का प्रयोग इनको नहीं करना चाहिए कि किस कमरे में कहां पैदा हुए थे। दानिश कुरैशी को पता होगा ये अपने जन्म के समय उस समय साइंटिस्ट पैदा हुए होंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा भगवान रामलला जो पूरे विश्व को पूरी दुनिया को जन्म देने का जन्म मरण और जिनके नाम से दुनिया के लोग सब जगह पहुंच गए बन गए, आज उनके ऊपर इस तरीके के सवाल जब फैसला आ चुका है तो इनका ये सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं है, इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। जी दानिश कुरैशी छोटी टिप्पणी फिर मैं गोविंद शर्मा जी से एक प्रश्न लूंगा। देखिए दरअसल दिक्कत क्या है, विनीत शुक्ला जिस पार्टी से हैं वो पार्टी ही देश में एक एक धर्म के धार्मिक स्थान को तोड़ने की मूवमेंट चलाकर सत्ता में आई है। उन्होंने मेरा जवाब ठीक से सुना नहीं था, मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा कोर्ट है। सुनिए विनीत जी आप बोले तो सुन लीजिए विनीत जी ऐसा मत करिए। देखिए आप जवाब आ जाते अरे भाई रुको तो बोल रहे थे मैं सुन रहा, सबकी आवाज बंद करिए, रुकेंगे तब मैं बोलूंगा, सब लोग चाव चाव कर रहे। विनीत शुक्ला अभी आप रुकिए, दानिश कुरैशी जी आप बोलिए जी 30 सेकंड अपनी बात कंप्लीट करिए। जी मैंने जो प्रश्न किया वो ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहां लिखा है वो मैंने पूछा, जिसको वो ट्विस्ट करके दरअसल वो उनका काम ही वही है कि वो इस तरीके की भड़काने की बात करते। बताइए मैंने क्या 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 अपमान जनक मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भगवान श्री राम जी का जो क्या सारी पिटिशन ही वही थी, पूरी पिटिशन जो थी वो भगवान श्री राम जी के जन्म को लेकर थी, सारे पिटिशन का कोर तो वही था। अब उसी को मैंने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बताइए ताकि मेरे बिल में हिसाब हो जाए। अयोध्या पर बहस में नहीं जा रहा, विनीत शुक्ला आई विल नॉट अलाउ, मैं अयोध्या पर बहस में नहीं जा रहा, मैं काशी पर आ गया, अयोध्या से आगे निकला है, अयोध्या पर बहुत बहस कर ली मैंने, अब अयोध्या अपने गति को चल रही है, अब उसमें हमें बहस करने की जरूरत नहीं। अब हमको 14 जनवरी 2024 को अरे रुको भाई 14 जनवरी 2024 को जाके वहां रामलला के दर्शन करना है, वहां तो हो गया जो होना था मकर संक्रांति के दिन, बाकी अब क्या बाकी अब अयोध्या छोड़ो काशी और मथुरा। गोविंद जी एक छोटा सा छेपक फिर एक प्रश्न, पता नहीं कि लोगों के संज्ञान में नहीं आया, शायद वो खबर उतना लाउड नहीं हुई होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चाहे मथुरा की हो चाहे बनारस की हो, हक हकूक बराबर, हैसियत बराबर, सील मोहर बराबर। मथुरा के जिला कोर्ट ने भी यही कहा है मथुरा के मामले में, जन्मभूमि के मामले में, कि पूजा स्थल विधेयक एप्लीकेबल नहीं है इस मामले में। यहां यह बात पता नहीं सुनी नहीं लोगों ने, नहीं तो उस पर भी हंगामा मचता, लेकिन वो बिना हंगामे के गुजर गई बात, काशी पे मच गया। ठीक है, मैं एक बात समझना चाह रहा हूं, मेरी इस स्मृति ये कहती कि शायद 1993 तक तो व्यास परिवार वहां दियावाती करता था जाकर, शासन प्रशासन इंतजामिया कमेटी सबकी जानकारी और सहमति में। गोविंद शर्मा जी हाँ निश्चित तौर पर वहां पर 1993 तक लगातार पूजा होती थी और 1993 के बाद वहां बैरिकेडिंग लगा दी गई जी और पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया और वो फिर पूजा जो है साल में कुछ एक दिनों तक सिमट गई। लेकिन वहां पर जब से मस्जिद बनी मंदिर को तोड़कर तब से हिंदू समाज लगातार पूजा अर्चना करता रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं जी कि जो भाई हमारे प्रश्न खड़ा कर रहे थे कि हिंदू समाज ने प्रसन्नता व्यक्त की, खुशी मनाई, तो आप उसका कारण समझिए। हिंदू समाज सैकड़ों वर्षों से यह प्रतीक्षा करता रहा कि हमारे मुसलमान भाई हमारी भावनाओं को समझेंगे, उस सच को स्वीकार करेंगे जो नंगी आंखों से दिखता है, लेकिन आप उस बात को लगातार झुठलाते रहे। आप कभी सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और दूसरी तरफ
संसद में 1991 में एक काला कानून ला करके हमारी आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया गया, हिंदुओं की आवाज को। तो अब जब ऐसे आदेश हमारे पक्ष में आएंगे तो हमको प्रसन्नता होगी या नहीं? उस प्रसन्नता से भी आपको चिढ़ है? उसके बाद भी मैं कहता हूं एक बात और कि जो लोग अदालत में इस समय सोहनलाल आर्य जी या जो भी हमारी पहने अदालत में मुकदमा लेकर के गई हैं, उन्होंने काशी में पिछले दिनों दो कार्यक्रम रखे थे, एक तो जैन साहब जो हमारे वकील हैं उनके सम्मान का, और दूसरा एक अगर हमारे पक्ष में कुछ आदेश आता है तो हम एक विजय यात्रा निकालेंगे। लेकिन प्रशासन ने कहा कि आप इसको स्थगित करिए, माहौल ठीक नहीं रहेगा, बात बिगड़ सकती है। तो प्रशासन के निवेदन पर ये सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। हिंदू कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। राम मंदिर में भी हमने कोई विजय जुलूस नहीं निकाला और हम कभी शांति भंग करने नहीं जाएंगे। मुस्लिम नेताओं को भी भड़काऊ बयानबाजी से बाज आना चाहिए। दानिश कुरैशी साहब, ये बात तो ठीक है। अदालत बनारस के जिलाधिकारी और वहां के शासन ने कहा भाई जुलूस उलूस मत निकालिए, लोगों ने कहा भाई नहीं निकालेंगे, फिर टकराव का। और अदालत की बात हो रही है, हमको तो याद है जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों वा केस में फैसला दिया था तो क्या गदर मचा था पूरे देश में। मैं टिप्पणियां नहीं याद करके सुनाना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए क्या क्या कहा गया, और सड़क पर कहा कि उनकी अर्थी निकाली गई, वो छोड़िए। मैंने तो पार्लियामेंट में लोकसभा में सुना उनके लिए जियाउर रहमान अंसारी क्या बोले राजीव गांधी के समय में। दानिश कुरैशी साहब, तब क्या दिक्कत है भाई, जब वहां अदालत ने कहा कि सुनने लायक है उस पर हंगामा हो गया, तो फैसला आएगा तब क्या होगा? देखिए मैं बताऊं, मुझे लगता है कि एपेक्स कोर्ट में जाने के बाद ये जो रूल 7-11 की जो बात है उसमें ही फैसला आ जाएगा, जहां तक मैं समझता हूं। क्योंकि देखिए निचली अदालत का जो कुछ भी फैसला है, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का माना ही अगर यहां नहीं रहता तो आखिरकार फिर उस कानून का एग्जिस्टेंस क्या। दूसरे नंबर की बात अमिताभ जी, बहुत ईमानदारी के साथ मैं आपको बताता हूं, देखिए जैसे ये पिटीशन फाइल हुई ज्ञानव्यापी वाली जो राकेश सिंह ने और उन्होंने फाइल की, ठीक है, उसके बाद तुरंत एक मैटर और पहुंची जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी चैलेंज किया गया, क्योंकि ये पूरी सुनियोजित था के साथ में पूरा मामला चल रहा है और उन्हें ये मालूम है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक बैरिकेड है, लोअर कोर्ट ने दिया है तो उसके पास अपेक्स कोर्ट में जाने का अधिकार है, दोनों पक्षों के पास, जिसको भी लगता है कि भाई प्रॉब्लम है वो आगे जाएगा। सवाल ये है, जहां तक मेरे नॉलेज में शायद अपील के लिए भी आगे बढ़ने का सवाल ये है, सुनिए बिल्कुल, सवाल ये है कि आज जब ये पूरा मामला एक सेटलमेंट एक आ चुका कोर्ट का बाबरी मस्जिद के मामले में, जैसा कभी गोविंद जी कह रहे थे कि हमने कानून हाथ में ले लिया, बाबरी मस्जिद के मामले में क्या हुआ था पता है, केंद्र नरसिम्हा राव सरकार का तो अभी तक हलफनामा पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में कि हम कुछ नहीं होने देंगे मस्जिद को, वो कैसे चलेगा ये तो बताइए आप मुझे। आप टेक्निकलिटी की बात कर रहे हैं ना, अच्छी बात है, करिए आप मुझे ये बताइए कि उस सरकार का हलफनामा कि जिन्होंने मस्जिद की सुरक्षा की गारंटी दी थी कोर्ट में, एफिडेविट है सरकार का, भारत सरकार का, क्या 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 अब आगे उसका प्रोसीडिंग क्या होगा मुझे ये समझा दे। सवाल क्या है कि ये पूरा जो मामला है इसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर कंसीडर न करके जो रास्ता जो पूरा वो किया है, हर रोज एक नई अदालत में एक नई पिटीशन फाइल होगी और देश के अंदर में जो हमारा सुनिए जो हमारा सोशल फैब्रिक है वो और कम्युनल हार्मनी का जो पूरा मामला जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक राइट जो है। भैया भैया